तूने ये नोटिस किया होगा कि आजकल तो ये हो गया कि सिर्फ चाय वाला नहीं है, ना, ना, उसको ना। छोड़ के सब है कि एमबीए चाय वाला, पत्रकार हाँ। चाय वाला, ये सब हो रहा है। चाय वाला अगर वो प्योरली चाय वाला तो उसे भगा देते हैं, उसे भगा देते हैं। क्या क्या भाई, पहली इससे हाँ। पहले की डिग्री कहाँ है, इससे पहले का तेरी पहचान क्या है? सिर्फ चाय वाला तू नहीं हो सकता, कुछ तेरी पहचान भी लगेगी भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। और दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। और सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज ही आप तक पहुंच जाएगा। आई होप आपका त्यौहार हर्षोल्लास के साथ आपने मनाया हो। और उसके बाद राजेश, मैं बिना आगे बढ़े सीधा आपसे काम का सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने बदमाश का पेशाब टीवी पे लाइव देखा कि नहीं देखा? भाई मैंने देखा, बड़े बड़े एंगल से देखा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखा, साथ में कमेंट्री भी सुनी। बेहद ही शानदार एक नज़ारा था जो नेशनल टीवी पे देखने को मिला, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन सभी इंसानों का जो उसके पीछे थे। हाँ, मतलब मेरे को भी वही लगा यार कि धार तो अपनी बराबर ही है, मतलब हाँ, ऐसा बदमाश हो या शरीफ हाँ, हो कितना बड़ा है, कितना बड़ा बदमाश करने का तरीका तो वही है। हाँ, उसका भी आई थिंक लास्ट वाली बूंद पैंट में गिर जाती होगी बेचारे की, कोशिश वो भी करता होगा। कल को कहीं किसी शांत अनजान रास्ते पे बाल लो, कोई बदमाश पकड़ के पूछ ही ले कि बताओ भाई का पेशाब कौन से रंग का था यार, उस चक्कर में पिटाई नहीं होनी चाहिए ना अपनी, बोल देंगे कि पानी ठीक ठाक पिया हुआ था, उन्होंने सफेद ही निकल रहा था। हाँ, और कभी चार लोगों में ये ना हो कि भाई हमें पता लगे कि आज तक हम गलत तरीके से करते आए। हाँ, हमें अब बड़े लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि नेशनल टेलीविजन पे भी ऐसा ही देखा है हमने, भाई हम सेम कर रहे हैं, कल को हमें बेइज्जती फील ना हो ना। मेरा सलाम पहुंचे सारे रिपोर्टर्स को, सारे कैमरामैन को जिन्होंने ये विजुअल हम तक पहुंचाया। और कभी उनके हाथ मिले तो मैं चूमना चाहूंगा और कैमरा मिले तो मैं तोड़ना चाहूंगा। लेकिन एक भाई दूसरी भी बदमाशी चल रही है, जब फटाफट उसकी बात कर लेते हैं फिल्म की बात करने से पहले, जो अपना विराट कोहली का फैन बेस है और जो किंग खान का फैन बेस है, मैं अभी तक ट्रैक नहीं कर पाया हूँ कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई है, लेकिन लड़ाई अब इस पे आ गई है कि असली किंग कौन है, किंग खान या किंग कोहली। मुझे शायद जहाँ तक पता है कि शुरुआत एक ट्वीट से हुई थी, जहाँ पे ये लिखा था कि कहा जाता है कि शाहरुख खान जो है उनको दुनिया भर में जाना जाता है, मतलब हिंदुस्तान को किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से पहचानते हैं विदेशों में लोग। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर देखे जाएं तो विराट कोहली के जो है 250 मिलियन टाइप है और इसके शाहरुख खान के 83-84 मिलियन से। तो क्या अंग्रेजों को नहीं पता कि शाहरुख खान का इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है, वो उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे अगर उसे सब जानते हैं तो? यहाँ से मुझे लगता है ये तो मुझे लग रहा है बहुत बाद की डिबेट, बहुत बहुत बाद में आए थे इस पे। अच्छा। ये वो था कि अब इसका जवाब दे। हाँ, इससे पहले वाले तो मैंने काफी देखे हैं। आई थिंक शुरुआत उससे हुई थी कि असली किंग कौन है, ऐसे कहीं किसी दो लोग में हो गई और फिर भाई अब क्या करें, लोग बता कह रहे, काफी लोग तो कह रहे हैं कि ये फैन बेसिस दोनों ही बहुत टॉक्सिक हैं जो ऐसे लड़ रहे हैं ये वो। मैं कह रहा हूँ वो दिक्कत ये हो गया ना कि दोनों ही किंग है, दोनों ही किंग, आई थिंक उसको लेके विवाद चल रहा है भाई। भाई सिर्फ एक है, भाई को लेके कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद कर ही नहीं सकता, कोई दूसरा भाई नहीं है, कोई कोई दादा है, कोई छोटे है, कुछ है, लेकिन भाई सिर्फ एक। हाँ। और भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हैरी केन ने उनके लिए ट्वीट किया है कि नहीं, कि रोनाल्डो ने किया है कि नहीं किया, भाई भाई है, सबके भाई सबकी जान, कोई किसी से उनका इस तरीके का लफड़ा होता ही नहीं। भाई के अगर लफड़े होते हैं तो फिर वो पता ही आपको किस लेवल के होते हैं भाई, वो कोर्ट कचहरियों में होते हैं, फिर ईमेल पे धमकियां आती हैं सीधे भाई को गैंगस्टरों से। भाई के छोटे मोटे लफड़े थोड़ी हैं कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर किसके ज्यादा है। भाई भाई सही भाई है, आते भी होली दिवाली है, भाई की अपनी अलग दुनिया है और भाई की दुनिया के जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी अलग दुनिया में रहते हैं। बट ये तो है कि पठान के इतने बड़े हिट होने के बाद से अब शाहरुख खान का भी फैन बेस एक्टिव हो गया है, कोहली की भी सेंचुरियां आ रही हैं, तो दबने वाली कोई बात है नहीं दोनों की इस टाइम पे, कोई बात नहीं है। और मैंने जो एक ट्वीट मुझे इंटरेस्टिंग लगा था उसमें ये लिखा था कि भाई विराट कोहली का बहुत बड़ा सपोर्ट है अनुष्का शर्मा। हाँ। कहा जाता है कि अनुष्का शर्मा की वजह से विराट कोहली आज इतना अच्छा कर पाए लाइफ में, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, लेकिन अनुष्का शर्मा को इंडस्ट्री में लेके तो शाहरुख खान ही आया था, नहीं लाता। यही तो सबसे मेन बात है भाई, ये तो फालतू की बात है, इसमें क्या है मतलब कौन किससे बड़ा है, सोशल मीडिया के नंबर्स के हिसाब से देखो किसके हिसाब, सब अपना दोनों अपने अलग अलग फील्ड में है, कोई बॉलीवुड में फिल्म बना रहा है। और सच्चाई है कि दोनों ने बाहर इंडिया को पहचान दिलाई है। बिल्कुल यार, भाई मैं कह रहा हूँ डिबेट करनी है तो इस पे करो ना कि अब आदि पुरुष बच पाएगी नहीं बच पाएगी, उसके समर्थन उसके खिलाफ में लोग आए वो मैं जानना चाहूंगा। आज उन्होंने कोशिश भी की है, उसका पोस्टर एक नया निकाला है, पोस्टर तो चलो ठीक ही लग रहा है, लेकिन दिक्कत तो तब थी ना जब उन्होंने विजुअल्स निकाले थे, अब निकाले कुछ तो विजुअल दिखाएं, क्या मेहनत चल रही है उस पर, कैसा काम हो रहा है। पर भाई उन्होंने वो किया क्या कहते हैं पूरा ही जो, वो मुझे सही लगा कि ठीक है उन्होंने, उन्हें बैकलैश बहुत सारा मिला, उन्होंने वापस से बोला कि ठीक है हम दोबारा से काम करके दोबारा से दिखाएंगे। तो अब वही है कि अब इस पर डिबेट होनी चाहिए कि भाई क्या अब कम बैक करने का फायदा भी हो रहा है या फिर से एडिटर ने पैसे बनाए, सीजीआई वालों ने पैसे बनाए, वो मजे आ गए अब तो।
उन्होंने तो डेफिनेटली पैसे बनाए, और मैं देख रहा हूँ बजट 550 करोड़ भाई पहुंच चुका है। अब पता ही नहीं कैसे रिकवरी होगी नहीं होगी यार। और एक तो मेरे को मतलब वही है कि यार मैं सनी सिंह को तो एज लक्ष्मण जी नहीं देख सकता यार। वो इमेज को हमारे दिमाग से निकालने के लिए भाई बहुत ही कुछ तगड़ा करना पड़ेगा यार। और लक्ष्मण जी का तो हमने पढ़ा भी ना कि मतलब ऐसे राम परशुराम संवाद में उनके भाई झगड़े होते हैं, वो अग्रेसिव से हैं। यार सनी सिंह का तो मैक्स अग्रेशन मैंने वही देखा है कि सोनू बात नहीं कर रहा तो टीटू नाराज हो गया। बट अब आगे बढ़ते हैं, सीधा करते हैं हम फिल्म की बात। आज सुबह सुबह हमने जाके देखी दोस्तों भोला, जो कि रीमेक है। अब रीमेक एक जरा कैथी फिल्म का रीमेक है। रीमेक एक भद्र शब्द हो चुका है, कॉपी कहा जाता था हमें जब तक हमें रीमेक वर्ड पता नहीं था। तो मैं फर्स्ट वर्ड यही कहना चाहूँगा, अगर आपने कैथी देखी है तो आपको भोला देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं देखी है तो भी भाई कैथी ही देख लो, क्योंकि वही बेटर फिल्म है। और आज हम इसी पर एक्चुअली डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या होता है कि रीमेक हमें उतना इम्प्रेस नहीं कर पाते जबकि एक्चुअल फिल्म हमें उतनी अच्छी लगी होती है। भाई मुझे तो वही लगता है कि यार हमें एक अच्छी फिल्म को देख चुके हैं, अच्छी लगी थी हमें कहानी पहली बार देख ली हमने। अब वो मैं सिर्फ इसलिए देखूं कि एक उसको बॉलीवुड का एक्टर बना रहा है जिसको मैं बहुत टाइम से फिल्में करते देख रहा हूँ, या मुझे पसंद, चलो मुझे पसंद हो तो बात अलग है, मैं हार्डकोर फैन हूँ, मैं उसको वो काम करते हुए फिर से देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ उसके काम का तो मैं वो सेम कहानी सेम एक्सपीरियंस वापस से क्यों करूँ। एग्जैक्टली, और इस पर तो मैं ऑडियंस का भी थोड़ा सुनना चाहूँगा कि क्या वो साइकोलॉजी होती है जिसकी वजह से रीमेक हमें नहीं पसंद आते हैं, क्या पूरी साइंस होती है। तो थोड़ा अगर किसी के पास इसको लेके कुछ कहना है तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताएं, हम बाकी फिल्म की डिटेल में बात करते हैं। आप बात करें दोस्तों अगर इस फिल्म की कास्ट की, तो ऑफ कोर्स नॉट जस्ट फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया, लीड रोल में भी अजय देवगन ही है। और वो एक प्रिजनर है जो अभी अभी सजा पूरी करके जेल से निकले हैं, और वापस से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उनको मारपीट में और उस सब में उलझना पड़ जाता है। अब मुझे लगता है कि अजय देवगन को थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी भी है रीमेक्स पर, क्योंकि उनकी लास्ट दृश्यम काफ़ी अच्छी तरीके से हिट हो गई है, और दृश्यम 3 इस बार तुझे अगर सुना हो तो दृश्यम 3 भी शूट हो रही है, और इस बार दोनों साथ में शूट होंगी। वो वाली भी ये वाली भी साथ में शूट होंगी वहाँ, मतलब एक ही सेट पर शूट होंगी, पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, ऐसे ऐसे शूट जैसे आजकल होने लगा है। नहीं अच्छी बात है, और दृश्यम तो मुझे लग रहा है कि इसलिए भी चलती है कि भाई अक्षय खन्ना ने कोई पाप नहीं किए तो ऊपर वाले को भाई अक्षय खन्ना को भी तो उसका ड्यू देना, उस बेचारे के साथ कब तक गलत होता रहेगा। वो तो आई थिंक प्योरली अक्षय खन्ना की गुडकर्मा की वजह से चलती है फिल्म। अजय देवगन के अलावा इस फिल्म के अंदर तब्बू है। अब दोस्तों आपको पता ही है, अगर अजय देवगन पुलिस वाले नहीं है और फिल्म में उनके साथ तब्बू है तो पुलिस वाली तब्बू ही बनेंगी, ये तो बहुत क्लियर इनका फंडा चल रहा है। DSP डायना उनके किरदार का नाम है, और तब्बू का तो सबको पता ही यार, उसके पास तो कार्ड भी पहुंच गया होगा पुलिस का, वो तो अब गाड़ी के आगे लगा के भी चलती होगी, डैशबोर्ड पे टोपी रख के चलती होगी अपनी पुलिस वाली, फाइल पुलिस की फाइल, पुलिस की फाइल या पुलिस की टोपी। उनका तो चलता होगा यार, उनको कोई हाथ नहीं देता होगा आजकल का। तब्बू की गाड़ी नहीं रुकती भाई अब टोल पे, आधे पुलिस वाले समझ के निकाल देते हैं, आधे मंजुली का समझ के निकाल देते हैं कि गाड़ी चला रही जाने दे। तो उनका वही रहता, पैर देख पैर इतने में गाड़ी चली जाती है, इतने गाड़ी निकल जाती है। इनके अलावा फिल्म के अंदर है संजय मिश्रा, वो भी एक पुलिस वाले हैं, और जिस थाने में ये मामला होता है उसमें उनकी एक नई नई पोस्टिंग होती है। और इस फिल्म के मेन विलेन जो है मुख्यतः वो 3 गैंगस्टर दिखाए हैं, 2 भाई हैं और एक साउथ इंडियन गैंगस्टर है। दोनों भाई जो है एक अपने दीपक डोबरियाल है, उनके बड़े भाई विनीत कुमार है। दीपक डोबरियाल प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर आशु का, अश्वत्थामा, और उनके बड़े भाई निठारी भैया, ये मतलब ड्रग्स का पूरा नेक्सस चला रहे हैं। वैसे तो स्टेट वगैरह उतना कोई दिखाया नहीं गया है, बट UP 33 की गाड़ी है तो समझ में आ रहा है कहाँ पर हैं। और इतने पाप चल रहे हैं एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर, भाई मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ आजकल लखनऊ में और मुझे पता है बिना गोलगप्पे वाला भी सूखी पूरी बिना मांगे दे रहा है भाई। आप एक ऐसी काल्पनिक कहानी दिखा रहे हो जहाँ पे आप UP 33 नंबर की गाड़ी दिखाते हो और वहाँ पे उस सिटी में क्राइम होते दिखाते हो, तो फिर आप और आप उम्मीद करते हो कि लोग आपकी काल्पनिक कहानी को एंजॉय करेंगे, यहाँ तो कैसे हो सकता है यार, यहाँ नहीं हो रहा है भाई क्राइम। मेरा पर्स गिर गया था तो पीछे बंदा उठा के आके दे गया, जेब में डाल गया और डांट के गया कि ध्यान क्यों नहीं रखते, 100 रुपए ऊपर से दे गया कि दवाई खाओ याददाश्त मजबूत करने की। क्या बंदा यार, यहाँ तो वैसा हिसाब हो चुका। और भाई यहाँ पे मतलब एक मैं स्ट्रीट फूड मार्केट में गया, ये भी मैं बताना चाहूंगा, तो वहाँ पे चाय वालों के नाम में इतनी क्रिएटिविटी आ गई है ना, चाय वालों के नाम थे जॉबलेस चाय वाला, अनपढ़ चाय वाला, आत्मनिर्भर चाय वाला, और एक तो और ही आ गए उतना प्रिसाइज, KGF Chapter 2 चाय वाला। वाह, वो चाहता तो KGF 2 भी, बट जो चैप्टर को भी उसने वहां रखा, मेरे को मजा आ गया। मैंने चाय इनकी जैसी मर्जी हो लेकिन नामों के साथ जो ये खेले हैं। तूने ये नोटिस किया होगा कि आजकल तो ये हो गया कि सिर्फ चाय वाला नहीं है ना, उसको ना। छोड़ के सब है कि MBA चाय वाला, पत्रकार चाय वाला, ये सब हो रहा है। चाय वाला अगर वो प्योरली चाय वाला तो उसे भगा देते हैं, उसे भगा देते हैं। क्या भाई पहली, इससे पहले की डिग्री कहाँ है,
इससे पहले का तेरी पहचान क्या है? सिर्फ चाय वाला तू नहीं हो सकता, कुछ तेरी पहचान भी लगेगी भाई। जिसने कुछ कोर्स नहीं किया उसके तो ठेले पे लिख के चले जाते हैं भूसा चाय वाला। ये सिर्फ ये कैसे हो सकता है? ये दोनों अपने नॉर्थ के गैंगस्टर्स हैं और इनकी हेल्प जो कर रहे हैं साउथ के गैंगस्टर वो है गजराज राव। वो है और वो साउथ के गैंगस्टर हैं और वे सेम ड्रग्स के कामों में वो भी इन्वॉल्व रहते हैं भाई। हैवी हैवी तीन गैंगस्टर ही हैं जो फिल्म के अंदर। हाँ, हैवी ड्रग्स भाई, बहुत हैवी ड्रग्स चल रही है, कई हजार करोड़ों में मतलब मामला चल रहा है। मेन कास्ट यही है अजय देवगन की। अच्छा सुन, ऐसा भी होता होगा कि वो ड्रग्स तो साउथ से ड्रग्स चलते होंगे। हाँ, लेकिन अगर अपने प्रदेश की बॉर्डर क्रॉस करते होंगे नमक बन जाते होंगे डर से। वो आराम से भाई, किसी ड्रग के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि प्रदेश में वो ड्रग रह पाए। वो घुसा घुसते ही नमक। ड्रग्स भी सोचते हो कि यार मैं नाक से लेने के लिए आई थी, पता नहीं मुझे आटे में क्यों गूंद दिया। और जो ड्रग रेबल होती होगी, जिद करती होगी, वो ड्रग्स की गाड़ी जैसे अंदर घुसती होगी पलटा मार जाती होगी। नहीं, जैसे जैसे ड्रग यूपी में घुसी, आई आइडेंटिफाई एज सॉल्ट। #NACL वो उसके प्रोनाउंस बदल जाते हैं उत्तर प्रदेश में घुसते ही। तो फिल्म की कहानी एक पूरी रात की कहानी है जहां पर तब्बू जो कि पुलिस में है उन्होंने एक ड्रग का बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ लिया है। पकड़ के उसको एक थाने में ले जाया गया, जब्त कर लिया गया, और जो गैंगस्टर जिनका वो माल है, ड्रग्स हैं, वो उसको उस थाने से निकालना चाहते हैं। एक कहानी ये चल रही है और एक साथ में एक कहानी चल रही है जो अजय देवगन की कहानी है। हाँ, भोला नाम के बंदे हैं जो अपने जमाने के गैंगस्टर हैं, सजा काट के बाहर निकले हैं। और आपको पता ही है एकदम साउथ इंडियन फिल्म में तो ये होता है कि आदमी मतलब शरीफ आदमी अगर गैंगस्टर ना बने तो समाज उसे कुछ समझता ही नहीं। मैंडेटरी है भाई आपका। और शरीफ एक तो मेरे को ये समझ आता कि जैसे हम भी शरीफ थे भाई, हमने लड़ाई झगड़े नहीं किए तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती लड़ाई करने की। बंदे को सीखनी चाहिए ना लड़ाई, ये कैसे लड़ाई सीख जाते हैं भाई? वो बोलते नहीं, वो ऐसे नहीं बोला जाता कि भाई इसका हाथ खुला हुआ है। हाँ, वो हाथ खुलना तो चाहिए पहले। वो हाथ, हाँ, ये अपने आप ही खुल जाता है शरीफ आदमी का। खैर, अभी ये शरीफ हो चुके हैं, 14 साल की सजा 10 साल में काट के बाहर निकले। और एक बैक स्टोरी दिखाई गई है जिसमें फॉर सम रीजंस इनकी बेटी इनसे कभी मिल नहीं पाई थी। अब ये फाइनली उससे मिलने जा रहे हैं, वो एक अनाथ आश्रम में रहती है। लेकिन उस रात फिर कुछ इनका ऐसा ऐसा हो जाता है कि इन्हें वापस से पुलिस पकड़ के ले आती है। और अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि तब्बू जो कि DSP है और भोला जो कि अब एक एक्स क्रिमिनल है, सजा काट के बाहर आ चुके हैं, इनको साथ में मिलके उस कंसाइनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारे पुलिस वालों की जान आफत में है, उनको हॉस्पिटल तक भी पहुंचाना है। गैंगस्टर्स इनके पीछे लगे हुए हैं, उनको अपना ड्रग्स का कंसाइनमेंट भी चाहिए, उनको इन पुलिस वालों की जान भी लेनी है। ये सब में अजय देवगन भी अब इन्वॉल्व हो गए हैं। और पता नहीं कौन सा कोर्स करके आए हुए हैं वो, कि रात भर में 4-5 बार उनकी मुठभेड़ होती है और वो अकेले ही बाइकरों को पेल देते हैं, अकेले ही ट्रक वालों को पेल ले रहे हैं, ट्रैक्टर पे हमले होते हैं, तेंदुआ आता है भाई एक बार तो तेंदुओं के साथियों को सबको पेल देते हैं वो रात भर में। मतलब इतना लड़े हैं। और इसका जस्टिफिकेशन बस एक है, मरकंद देशपांडे का नरेशन जो बताते रहते हैं वो है भाई, टिपिकल साउथ की फिल्मों वाला नरेशन जो होता है वो है, वो ये है, वो है ये वो है से सब जस्टिफाई हो जाता है। वो है जिसकी किसी से नहीं फटती। मुझे लगता है शुभम भाई, साइंस की मार देता है। हम जीवन में सक्सेसफुल हो जाए हमारे पीछे अगर कोई ऐसे चिल्लाता शुरू कर दे, बस एक आई थिंक जीवन में नरेटर की ही कमी। मुझे ऐसे सब लोग बताते ना कि सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, हमें एक नरेटर चाहिए। आपको एक नरेटर चाहिए जो बस आपके पीछे बताता रहे वो है, वो चलता तो है, वो रील तो बनाता है पर वो व्यूज भी लाता है, उसके कंटेंट में दम है, उसके रिव्यू तो रिव्यू लोग पॉडकास्ट भी पसंद करते हैं, उसके पॉडकास्ट में सब सौम्या को देखते हैं, और सौम्या जब से आई है उनको तो कोई भाव ही नहीं देता। ये यहाँ पे हम प्लगइन भी करना चाहेंगे भाई, द ग्रेट इंडियन पॉडकास्ट के नाम से हमारा पॉडकास्ट शुरू हो चुका है, ऑलरेडी बहुत प्यार मिल रहा है, चिट्ठियाँ लिख लिख के भेज रहे हैं लोग। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देखना चालू कर दें, और वहाँ पे हम कमेंट्स तो पढ़ते लेटर्स वगैरह भी चल रहे हैं, बहुत टू वे शो है वो भाई, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। हाँ, बहुत जेन्युइन बातचीत होती है वहाँ पे और जो जेन्युइन रिप्लाईज हमें आते हैं वो भी पढ़ते हैं। एक रात भर की पूरी कहानी है और स्टार्ट टू एंड आपको पता चल ही रहा है कि अगर अजय देवगन एक नैरेटर की आवाज़ के साथ निकले अपने पीछे तो आपको पता ही है कोई गैंगस्टर उन्हें रोक नहीं पाएगा उनकी बेटी से पहुंचने तक, किन किन मुश्किलों का सामना करके वो पहुंचते हैं, उस रात भर की ये पूरी कहानी है। अगर बात करें फिल्म के अंदर अच्छा क्या है तो पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा है, एक्शन बहुत अच्छे हैं, 3D भी अच्छा है काफ़ी, और परफॉर्मेंस सबकी बहुत अच्छी है।
हाँ मतलब एक बार में आपने सारी चीजें गिना दी। स्पेसिफिकली मैं जैसे दीपक डोबरियाल ने अलग तरीके का कैरेक्टर किया है, इस तरह के विलेन वो नहीं बने हैं। और आजकल विलेन का तेरे को पता ही है क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया है, विलेन अगर थोड़ा सा टेढ़ा ना हो, थोड़ा सा सनकी ना हो, जैसे भाई रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर, अमरीश पुरी सिर्फ बुरे होते थे, उनको टेढ़ा होने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल गया है कि विलेन के अंदर ना एक थोड़ा सा सनक भी होगी, कि एक हल्का सा कुछ एक वो करा करेगा। ये आई थिंक जब से जोकर हिट हुआ है तो ये हो गया है कि अपने विलेन को थोड़ा सा ऐसा दिखाओ। अब मुझे लगता है कि वो रेफरेंस ही वैसा देते हैं कि भाई जोकर की तरह होगा हमारा विलेन, हाँ थोड़ा सा अतरंगी सा होगा। हाँ तो वो करने की उन्होंने कोशिश किया, बट यूजुअल से डिफरेंट दिखे हैं। और दीपक डोबरियाल जैसे मतलब सपोजिटली वो ऐसे कुछ बिल्ट वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं दिखते ना, तो आप उनको इमेजिन नहीं करोगे कि वो अजय देवगन के ऑपोजिट होंगे, हालांकि उनका अजय देवगन से कभी सामना भी नहीं होता है फिल्म में ऐसा, बट हाँ एक डर पैदा करते हुए वो दिखते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस उनका अच्छा है। और बाकी रैंडम और 15-20 लौंडे तो हैं, बड़ी दाढ़ी, मोटे पेट वाले, लंबे बाल वाले। मुझे लगता है कि गैंगस्टर में भर्ती भी अब इस पर हो गई है, इसकी तो दाढ़ी नहीं आती, ये क्या गैंगस्टर बनेगा। क्लीन शेवन गैंगस्टर्स अब जा चुके हैं उनका, हाँ ये तो हो गया यार, ये तो हो गया, मतलब क्लीन शेव तो मुझे नहीं मिलेगा किसी गैंगस्टर को काम। और शायद हो सकता है उल्टा भी होता हो कि अब दाढ़ी अच्छी आने लगी हो तो आदमी का अंदर से मन ही करने लगता हो कि अब क्या शराफत की जिंदगी जीऊं, गैंगस्टर बनूं कुछ नहीं तो। भाई आजकल फिल्मों में 20-20 लौंडे लगते हैं बड़ी दाढ़ी वाले पिटने में, KGF में देख लो, पुष्पा में देख लो, क्लीन शेव लौंडे नहीं पिटते कहीं, बहुत स्कोप है। मुझे लगता है कि स्कोप है, दाढ़ी बनाओ और पिटने जाओ तो आपको अच्छा वो काम मिलेगा। हाँ जैसे MBA चाय वाला, विलेन दाढ़ी वाला, ये आजकल इसमें बहुत स्कोप है भाई। तो एक्शन सेट पीसेस मेरे को लगता है कि वो और ज्यादा एलिवेट हो सकते थे अगर बैकग्राउंड म्यूजिक उनको बढ़िया दिया जाता। गाने भी जो है फिल्म के मुझे कोई सा याद नहीं रह जाता, 2-3 गाने आते हैं, एक अजय देवगन की पास्ट स्टोरी का रोमांटिक गाना है वो से बेस्ट कह सकते हो, बाकी दोनों तो उससे भी खराब गाने हैं। तो गानों में नोटिस किया कि बॉलीवुड में म्यूजिक का स्तर भी गिरता नहीं जा रहा। आइटम नंबर की भी पहले ऐसी जरूरत चाहे उनकी उस चीज पे मोरालिटी पे आप कितनी मर्जी डिबेट कर लें, लेकिन शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम, ये ईयर वॉर्म्स तो थे भाई, बजते थे तो फिर बजते ही थे सालों साल, कजरा रे आज तक बजता है, अब इतना आइकॉनिक कोई गाना ही नहीं आता है। एग्जैक्टली फिल्म का प्रमोशन होने में बहुत बड़ा हिस्सा आइटम सॉन्ग्स ने निभाया है पूरा पास्ट में भी। अपने कंधों पर ढोते थे भाई वो फिल्मों, थोड़ा मैं उत्सुक हूँ देखने के लिए कि ऑडियंस फाइनली एक एक्टर जिसकी रीमेक फिल्म को हिट करा चुके हैं उसको किस तरीके से लेती है। बड़े पर्दे पे देखने लायक फिल्म है डेफिनेटली, अगर आपने ओरिजिनल वाली नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। ड्यूरेशन भी 2.5 घंटे की है तो थोड़ी सी ऑन द लॉन्गर साइड ही है, बट स्टिल आप एक ट्राई दे सकते हो। गानों ने और म्यूजिक ने खासकर निराश किया है, बाकी वो कहानी तो ओरिजिनल वाली में भी नहीं थी, इसमें नहीं थी, ओवरऑल चीज़ें ठीक ठाक ही हैं। समय है, अगर आपके पास छुट्टियां हैं आप जाके देख सकते हैं। मैं काफ़ी लेकिन इन्वेस्टेड हूँ इस फिल्म का फ्यूचर देखने में कि क्या रहेगा, क्या रीमेक्स के बहुत बचा हुआ है, नहीं बचा है। हाँ रीमेक्स, क्योंकि अभी दृश्यम के बाद थोड़ा सा इनके अंदर भी हौसला आ गया होगा, चलती है लेकिन यहाँ से पता, क्योंकि शहजादा फ्लॉप हुई, ये शहजादा से पहले कार्तिक आर्यन बहुत बड़ी हिट दे चुका था, शहजादा फ्लॉप हुई, दृश्यम बहुत बड़ी हिट थी, अब ये आई है, तो वही है कि एक डायरेक्शन तो पता लगेगा कि किधर जा रहा है बॉलीवुड, कहाँ जाना चाहता है या कहाँ जाना चाहिए। बिल्कुल, और आपके इस पे जो भी ओपिनियन हो वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे पॉडकास्ट को अभी तक देखना शुरू नहीं किया है तो ज़रूर देखें, और जाते जाते हमारी वही यूजुअल भीख, लाइक ही लाइक, शेयर ही शेयर, कॉमेंट ही कॉमेंट, सब्सक्राइब ही सब्सक्राइब। साइनिंग ऑफ।